सो गाइस, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस सिरम को लगाने के बाद से आपके गंजे सिर पर भी बाल उगा देगा, ये सिर्फ एक सिरम। अगर आप शुरू से मेहनत कर रहे हैं और आप थक चुके हैं तो इस सिरम को कंसिस्टेंसी में आप हर दिन लगाइए। अगर आप वर्किंग है तो रात में लगाइए, सुबह वॉश कर दीजिए। थोड़ा सा मेहनत लगेगा बट अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। तो आज की वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं ब्रॉड हेयरलाइन को फिक्स करने के लिए आपका होममेड सिरम, जो कि आप बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से और बिल्कुल नए इंग्रेडिएंट्स से। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माइंड अप चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बहुत अच्छी एक ऐसी सिरम जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करेगा। अगर आप इस सिरम को हफ्ते में 3 बार 4 बार या डेली ओवरनाइट लगाकर मॉर्निंग में वॉश करते तो आपके बालों की थिकनेस मेंटेन होगी, आपको मोटी घनी और थिक ब्रेड मिलना शुरू हो जाएगी, मींस की चोटी। आप मेहनत करते जाइए, रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे आएंगे और रेमेडीज की कोई दिक्कत नहीं है, भरमार रेमेडीज हैं हमारे पास में जो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। रिजल्ट्स आते हैं, एक बार आप कमेंट सेक्शन को अच्छे से रीड कीजिएगा, हमारे फीडबैक को रीड कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ में फीडबैक शेयर करें तो आप हमें नीचे मैसेज में जरूर डालिएगा कि दीदी आप फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। बहुत सारे कस्टमर हैं हमारे पास में जो लोग मेंबरशिप लेकर के अपनी रेमेडीज को फॉलो करते हैं और यूज करते हैं, उसके बाद अपना फीडबैक डालते हैं। मैंने गंजे सिर पे भी बाल उगाया है, हाँ जी, बट उसके पीछे कंडीशन होती है, किस तरीके से क्या काम हो रहा है वो सारा कुछ मैनेजमेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये, अगर हम गंजे सिर पर बाल उगा रहे हैं तो उनका पूरा प्रोसेस, डाइट से लेकर पूरा रूटीन हम प्रिपेयर करके देते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं। आप चाहें तो हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप ले सकते हैं, आप चाहें तो 3 मंथ्स की मेंबरशिप ले सकते हैं, और आप चाहें ट्रायल पैकेज के लिए आप 1 मंथ की भी मेंबरशिप ले सकते हैं। सो गाइज, 1 मंथ की जो हमारी मेंबरशिप की चार्जेस होते हैं वो होते हैं 1599 रुपीज की, 1 रुपए कम, 1600 रुपए की पेमेंट करनी है आपको, जिसमें हम आपको रेमेडीज बताएंगे, आप उसको खुद से बनाएंगे और यूज करेंगे। आप चाहते हैं इतना पैसा ना खर्च हो तो आप कोई भी वीडियोस उठाइए मेरी, उसको 1 महीने लगातार फॉलो कीजिए। आप क्यों ना केवल एक शैम्पू ही ट्राई कर ले, क्यों ना आप केवल एक रिंस वाटर ट्राई कर ले, आप टोनर ही ट्राई कर लीजिए, आप ऑयल ही ट्राई कर लीजिए। जब आपको ट्रस्ट हो जाए, फुल्ली फेथ हो जाए, उसके बाद आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर आप हमारे वीडियो कंसल्टेशन सर्विस ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आज के जो सिरम है इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए, ये आपके बालों को बहुत घना करने वाली है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो चलिए देखते हैं सिरम कैसे बनाना, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइज, हमने यहाँ पर आप लोग के साथ में शेयर किया था रिंस वाटर, ठीक है। रिंस वाटर का जो इंग्रेडिएंट हमारा बच जाएगा उसका हम यूज करेंगे अपने हेयर सिरम में। तो यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि जो हमने रिंस वाटर शेयर किया था उसमें हमने डाला था आप लोग के साथ में रोजमेरी, और ये है आपका काली मिर्च, और नेक्स्ट है हमारा क्लोवर सीड, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पीस लेंगे पानी में डालकर। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ हमारा ये सारा इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो इसको हम लोग पानी में डाल करके पीस लेते हैं और देखते हैं सिरम कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी 1/2 कप के करीब, जिससे कि ये अच्छे से पिस जाए। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे पानी, ठीक है, और इसके लिक्विड को सेपरेट कर लेंगे और आगे का जो प्रोसेस है वो देखते हैं, ठीक है। इस सिरम को बना करके आप 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस थे तो मैंने कहा चलो इस बार ध्यान रखेंगे आप लोगों की रिक्वेस्ट का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस। सो गाइस, यहाँ पर इसको अच्छे से स्टेन कर लेंगे। अब इसके जो पार्टिकल्स बचे ना, इनका कोई यूजेस नहीं है, बिल्कुल भी मत यूज कीजिएगा। जो भी चीज़ें यूज करने वाली होती हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। ये मास्क मैं बना रही हूँ और यूज करूंगी मैं खुद भी, लाडो को भी और कृष्णा को भी, क्योंकि ना ये मास्क जो है हमारा आपका सिरम बेसिकली बहुत ही अच्छा है, इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत ही लाइट वेट है। आप इसको छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े से लेकर के जो यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसमें एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, एसेंशियल ऑयल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना इसको बेस देने के लिए। अगर आपके पास में सैंथन गम है, मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था ना एक पाउडर जिसको प्रयोग करके हम लोग अपनी कोई भी रेमेडी को एक शरीर दे सकते हैं, एक बॉडी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल पतंजलि का, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है और मुझे अच्छा भी लगता है और सूट भी करता है। बहुत सारे लोगों के साथ में समस्या ये है कि उनको सूट नहीं करता है,
तो उस कंडीशन पे आप सेंथन गम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर पतंजलि का एलोवेरा जेल डाल रही हूँ, मुझे ये सूट होता है इस वजह से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये जितना बनाना हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक महीने के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा बनाऊंगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम डालेंगे एलोवेरा जेल के बाद से पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास में पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल है तो आप डालिए, नहीं है तो मिंट लीव्स आ रही है मार्केट में तो उसका आप वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक पैन ले लीजिए, उसमें आप पानी डाल दीजिए गर्म होने के लिए। पानी जब उबल जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद मिंट लीव्स की जो फ्रेश पत्तियां होती हैं उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। फ्लेम ऑफ करने के बाद उस पानी में आप पत्तियों को डालकर ढक दीजिए। उसके बाद एक घंटे बाद जब पानी नॉर्मल हो जाए उसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। जब भी आप कोई भी सीरम का प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप उसमें 2 से 3 चम्मच के करीब उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं सारी ही चीजें बताती हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग उस रेमेडीज को कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर डाल रही हूँ पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल का मैं 10 बूंदे। ठीक है, क्योंकि मैं ये लाडो को यूज करूंगी तो लाडो बहुत छोटी है, अलग अलग से नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज यू नो दैट कि बहुत सारा काम होता है मेरे पास में, इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग से चीजें बना करके रखी जाएं। अगर हम अपने लिए लगा रहे हैं तो इसमें हम थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल अलग से मिक्स कर सकते हैं लेकर के बाउल में। ठीक है, तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी टेक्सचर में ये बनकर के हमारा सीरम जो है रेडी हो गया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो इसको हम एक कंटेनर में ट्रांसफर कर लेते हैं। सो गाइज, इस सीरम को आप लोग बनाइए, इसका जो रिजल्ट आएगा ना आप खुद कहेंगे कि सीमा जी आपने जो रेमेडी शेयर करी है सच में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल लगी। जो भी आप चीज प्रयोग में ले रहे हैं, रिजल्ट आ रहे तो शेयर कीजिए, नहीं आ रहे तो शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो जनता है ना इसको जागरूक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहीं हम ऐसा तो नहीं आपके साथ में कुछ गलत शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिए। सो गाइज, देखा आपने हमारा जो सीरम है मैजिकल सा बनकर के रेडी है। अगर आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है तो आप इसको क्या करेंगे, हमेशा डेली कंघी कीजिए। आप डेली कंघी करके अपने फ्रंट हेयर पर अच्छे से सीरम को लगा लिए। सीरम को लगाने के बाद से आप क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने हाथों से वाइब्रेशन देंगे, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन इसको बोलते हैं। इस तरीके से अगर आप वाइब्रेशन देते हैं तो क्या होता है, वहां पर ब्लड का फ्लो आता है जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ होती है। अभी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस ये आने लगेंगे कि दीदी हमारा हेयर फॉल बढ़ गया, तो बरसात शुरू हो गई है, बरसात में हेयर फॉल बढ़ जाता है। ध्यान रखिए खाने का, पीने का और टाइम पर सोने का। अगर आप अच्छे से किसी चीज को मेंटेन कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हेयर फॉल नेचुरल प्रोसेस है, उसको रोका नहीं जा सकता है, जिसको कम किया जा सकता है। अगर 400, 500, 600, 200, 300 ऐसे हेयर फॉल हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचर है। नेचुरल प्रोसेस को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं तो उसका नतीजा आप लोग देखिए कितनी गर्मी बढ़ गई है। तो इसीलिए अगर आप बालों के साथ गेम करेंगे ना तो आप गंजे हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपका कोई नहीं चलेगा। यहाँ पर तो चलो ठीक है, इतनी सारी पब्लिक है, धीरे धीरे कुछ कुछ लोग पेड़ लगा रहे हैं। अगर आपने अपने बालों के साथ में गेम किया है तो आपको पता है कि आपने क्या गेम किया है, तो और उसको ठीक करने के लिए भी आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने हिसाब से काम कीजिए, आप एक बार अच्छे से चीज़ों को चेक कीजिए कि आप यूज़ क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप चीज़ों को करें। रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, बोटॉक्स, कैरेटिन ट्रीटमेंट मत कराइए, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं बालों के लिए, मैं कभी नहीं कराती हूँ। ठीक है, आप लोग इस सीरम को, नेचुरल DIY को आप फॉलो कीजिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं मेरी रेमेडीज को, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके एक कमेंट से। क्या लिखना है, रेमेडीज अच्छी हैं तो गुड रेमेडीज लिख दीजिए, अगर टाइम नहीं है आज के टाइम में आपके पास में तो, अगर अच्छी नहीं है तो बैड रेमेडीज लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, बट अपना फीडबैक जरूर डालिए। इतना पता है मुझे, मेरी रेमेडीज को जो फॉलो कर रहे हैं उनको रिजल्ट्स आएंगे। सीरम यूज कैसे करना है ये बता देते हैं। सीरम को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बालों में एक दिन पहले आपको क्या करना है, ऑयलिंग कर लेनी है। लाइक अगर आप मंडे से स्टार्ट करते हैं, सपोज दैट, ठीक है, आप मंडे से स्टार्ट करें तो मंडे आपके बालों में ऑयल रहेगा, जो ऑयल आप यूज कर रहे हैं, जो भी ऑयल आप यूज कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा ही ऑयल यूज करें या इस सीरीज का ही ऑयल आप यूज करें, अगर आपके पास में नहीं है तो आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। आपने मंडे ऑयल लगाया,
ट्यूजडे की नाइट में आप सिरम लगा लेंगे और वेनसडे को वॉश कर देंगे। जब आप सिरम लगाएंगे ना तो टोनर लगाना है और कंघी करना है, और उसके बाद सिरम लगाकर आपको ना तो कंघी करना है ना ही टोनर लगाना है, जूड़ा बनाकर फोल्ड करके बालों को छोड़ देना है, ओवरनाइट रखना है और वेनसडे को शैम्पू के साथ में वॉश कर देना है। इस तरीके से आपको ये चीजें फॉलो करनी है। तो आप लोग इस सिरम को बनाइए, यूज कीजिए। ये सिरम एक महीने फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं, तो इसको बनाइए। इसका जो भी फीडबैक आ रहा है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप अगर फीडबैक शेयर करते ना तो आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं अपने साथ साथ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय।